वेलकम टू अन एकेडमी क्लास 11-12। दिस इज विवेक गुप्ता और वी आर लाइव। जैसा कि आपको पता है कि रोज 5 बजे हमारी क्लास होती है क्लास 12th की, और रोज 11th के लिए हम पढ़ाते हैं क्लास 4 PM में। बाय द वे, एड 1, 8+1 विल बी 9, है ना। ये लास्ट क्लास का PDF था जिसमें मैंने 1 लगाना भूल गया हूँ। एनीवे, सो माय डियर बच्चों, वेलकम ऑन अकेडमी अगेन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, सो दैट की सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक शेयर कर दो विद हैशटैग लाइव स्कूल डेली। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना एंड इट्स अबाउट मी, बाद में बात करेंगे कभी। रात को 9 बजे आज 13 मार्च को रात को 9 बजे मैं आ रहा हूँ लाइव, और हम लोग करने वाले हैं दिल की बातें अबाउट नीट एग्जाम। नीट एग्जाम की डेट क्या है, बाकी इन्फॉर्मेशन क्या है, सब के बारे में अपन बात करेंगे। कैसे ये इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या फैक्ट्स हैं, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो माय डियर बच्चों, मैं दिख नहीं रहा हूँ ठीक से, अभी प्रॉपर दिख रहे हैं विवेक सर। तो पीरियड टेबल याद करने की ट्रिक जो है वो अगर आपने अभी तक नहीं सीखी है तो वो इस वीडियो के थ्रू कर सकते हैं। क्यों समझे उनको दूर से कम, ये भी आप इनके थ्रू देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, सारे वीडियोज़ आप इन्जॉय कर सकते हैं। 4 PM, 5 PM पे हमारी YouTube क्लासेस होती है। स्पेशल क्लासेस का जो टाइमिंग है वो है 2 PM और 3 PM, प्लस क्लासेस का टाइम जो है वो है आपका 6 PM। सॉल्यूशन चैप्टर की हम बात करें, सॉल्यूशन के अंदर हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो है मैं आपको कराने वाला हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लास्ट लेक्चर, मतलब इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर इट विल बी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यू शुड आस्क 10 डाउट्स ऑन एन अकेडमी, क्योंकि अगर ऐसा आप करोगे तो आपको मिलने वाला है फ्री एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, है ना। और ये ऑफर सिर्फ कल तक है, तो जल्दी से वो कर देना। कैसे, मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि आपको एक आदत डाल देनी है। क्या है, फिर गाना गाना आपको, अब तो आदत सी है मुझको डाउट पूछने की, ओनली ऑन एन अकेडमी आस्क अ डाउट। तो यू कैन आस्क योर अनलिमिटेड डाउट्स ऑन एन अकेडमी एप्लीकेशन एनी टाइम, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में एग्जैक्ट वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं लैक्स ऑफ क्वेश्चंस के, कैसे करना है, एप्लीकेशन पे जाना है, आस्क अ डाउट पे जाएंगे आप। आस्क अ डाउट पे जाएंगे तो यहाँ पे टेक अ पिक्चर या फिर चूज फ्रॉम गैलरी में आप जाएंगे और अपना डाउट पूछ लेंगे। डाउट पूछने के लिए जैसे आपको बोला जाए वैसे आप करते जाइए, सब्जेक्ट फिल कर दीजिए और बस वेट करिए आपके डाउट का सोल्यूशन आने में। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इंडिया का बेस्ट सब्सक्रिप्शन है, जहाँ पे इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आर टेकिंग लाइव क्लासेस। यू कैन इंटरेक्ट विद देम एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन लाइव पोल्स और यू कैन चेक योर प्रोग्रेस और योर रिजल्ट ऑन लीडर बोर्ड। ऑल्सो यू कैन पार्टिसिपेट इन टू डिफरेंट टेस्ट सीरीज जो कि ऑन गोइंग है या आने वाली हैं, और उनका एनालिसिस भी आप चेक कर सकते हो। यू कैन अटेंड लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, हमारे यहाँ पे हर फोर्थ क्लास जो है वो क्या है, आपकी डाउट क्लास है, ठीक है। इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, किसी भी एडुकेटर से आप पढ़ सकते हो। बस यू हैव टू डाउनलोड एन अकेडमी एप्लीकेशन, जस्ट गो ऑन प्लस, सेलेक्ट योर गोल एंड गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ। प्लस और आइकॉनिक जो है उसमें से जो भी सब्सक्रिप्शन आपको मिलना है 12 मंथ्स का या 24 मंथ्स का, दैट यू कैन बाय। आइकॉनिक में क्या होता है, प्लस के फीचर के अलावा आपको आपको कुछ अमेजिंग फीचर मिलते हैं, पर्सनल कोच मिलते हैं। पर्सनल कोच के अलावा पर्सनल कोच के अलावा आपको एक और बेनिफिट वहाँ पे मिलता है, किस चीज़ का मिलता है, दैट इज़ योर स्टडी प्लानर, है ना। VG001 कोड लगाओगे तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलरेडी बहुत सस्ता है, मतलब सस्ता क्या बोलूँ मैं, अफोर्डेबल बोलूँगा, सस्ता वर्ड सही नहीं होगा, है ना। नीट UG या फिर ITJ की प्रिपरेशन करना चाहते हो अलॉन्ग विद योर बोर्ड्स तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। जस्ट यूज VG001 कोर्स, किसी का भी खरीदो, कहीं से भी कुछ पढ़ो, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट लिए VG001 कोड रहेगा। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पा जाते हैं बिना देरी के, है ना। बिना देरी के हम यहाँ पर आ जाते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, है ना। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना। और ये जो इक्वेशन थी ये हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, है ना। अभी जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट जो है वो ये कि आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाया था, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वी हैव लर्न इन यूनिट 5 क्लास 11 का जो चैप्टर 5 है, दैट इज गैसेस स्टेट। क्या है, गैसेस स्टेट, दैट द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर दैट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वेपर्स ज़्यादा फॉर्म होंगे, वेपर्स ज़्यादा फॉर्म होंगे तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इट बॉयल्स एट द टेम्परेचर एट विच इट वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। मतलब ये जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए वाटर जो है वो बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, दैट इज अराउंड 373.15 केल्विन टेम्परेचर। बिकॉज
इट एट दिस टेम्परेचर द वेपोरेशन ऑफ वाटर इज 1.013 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है. जब इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाए मतलब फेज चेंज हो गया है. ठीक है, तो इस बारे में अपन लोगों ने बात की थी मतलब 11th क्लास के अंदर. ठीक है, अब मुद्दे की बात क्या है. मुद्दे की बात यह है कि लेट्स टीबी क्या हो गया आपका, बेसिकली हो गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, है ना. तो एलिवेशन को तो डेल टी बी से करेंगे. ये हो गया आपका टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट स्टैंडर्ड. बी दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो है प्योर सॉल्वेंट की फॉर्म में, ये क्या हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया है. एंड टी बी जो है वो क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और सॉल्यूट दोनों का हो गया. सॉल्यूट सॉल्वेंट के लिए तो क्या अपन ने कर दिया टी बी नोड, और सॉल्यूशन के लिए क्या कर दिया टी बी कर दिया. सॉल्यूट का अभी हम नहीं बात कर रहे हैं. द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज कितना होगा टी बी माइनस टी बी नोड. भाई सॉल्यूशन में ही तो इंक्रीज होगा, सॉल्यूशन में ही तो इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो टी बी माइनस टी बी नोड, है ना. दिस इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो एलिवेशन है वो अपन इसको बोलते हैं. ठीक है ना. नाउ एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट डिल्यूट सॉल्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा आपने डिल्यूट कर दिया वाटर, वहाँ भी यूज़ कर लिया है. द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल टी बी नोड, है ना. एलिवेशन किसको डिनोट कर रहे हैं हम, डेल टी बी से. एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो, डेल बेसिकली डिफरेंस को शो करता है. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल कंसेंट्रे, मोलल है मोलर नहीं है, मोलल कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन. मतलब डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, राइट. स्मॉल एम होगा, कैपिटल एम नहीं होगा, स्मॉल एम होगा. मतलब अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, दैट विल बी के बी. बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट को अपन बोलेंगे. सो के बी इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इसको अपन बोलते हैं, या फिर एब्लिस्कोपिक कांस्टेंट भी अपन इसको कहते हैं. इसकी यूनिट क्या होगी, इस यूनिट होगी के जी पर मोल. कैसे निकाली, सिंपल सा तरीका, के बी निकालने के लिए तरीका क्या है, के बी की यूनिट निकालने का तरीका डेल टी बी डिवाइडेड बाय एम. टी बी की यूनिट क्या है आपकी, टी बी की यूनिट हो गई आपकी केल्विन, और इसकी यूनिट क्या है आपकी मोल पर के जी. इसकी यूनिट क्या है, मोल पर के जी. तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, के जी पर मोल, उल्टा हो जाएगा ना. ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी यूनिट है. अब स्मॉल एम क्या होता है, मोलरिटी क्या होती है, है ना. मोलरिटी क्या होती है, डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई एम टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन डिवाइडेड बाई 100. क्यों डिवाइड किया 100, क्योंकि हमको के जी में चाहिए. ये किस में चाहिए, हमको के जी में चाहिए, तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 1000 से. तो स्मॉल एम विल बी 1000 इंटू, अरे यार ये क्या बन गया, 1000 इंटू डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई एम टू इंटू डब्ल्यू वन. ठीक है ना, तो बेसिकली 1000 डिवाइडेड बाय एम टू मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वन. ठीक है, हाय रोनित जैन, हाय मिस्टर, ये क्या है, एप्पल टाउन ऑफ शोपियन. सो डेल टीवी विल बी क्या होगा यहां पे, के बी इंटू एम. तो एम का वैल्यू हमने ये रख दिया, के बी का वैल्यू हमने रख दिया. तो M2 अगर हमें फाइंड आउट करना है तो M2 क्या हो जाएगा, M2 अगर फाइंड आउट करना है तो M2 की जगह क्या आ जाएगा, KB वहीं के वहीं रहेगा, W2 वहीं रहेगा, 1000 वहीं रहेगा. ठीक है ना, M2 वहां चला गया, TB आ गया, तो डेल TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मल्टीप्लाई बाय W1, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है ना. सो बेसिकली अगर आपको M2 फाइंड आउट करना है, विच इज मोलर मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्यूट, तो वो क्या होगा आपका, ये आप इसे वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे. ठीक है, क्लियर है बात. अब इसे एक क्वेश्चन आपको दिया यहाँ पे एनसीईआरटी में, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 होता है, इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन ए सॉक की पैन, है ना. एट वॉट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 bar एंड के बी फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल. ठीक है ना, मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने, 80 ग्राम से डिवाइडेड बाय इसका मास कितना होता है, मोलर मास 180 ग्राम होता है. कार्बन का मास 12 × 6, हाइड्रोजन का मास 12 × 1, ठीक है, ऑक्सीजन का मास 16 × 6, इट विल बी 180. तो 80 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो इट विल बी 0.1 मोल. ठीक है,
नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट 1 केजी दिया हुआ, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन कितनी आई, 0.1 मोल पर केजी, 1 केजी में 0.1 मोल ही तो आ रही है, ठीक है ना। गुड इवनिंग प्रशांत। सो बेसिकली यहाँ पे चेंज क्या होगा, अगर अपन चेंज देखें तो टीबी जो है बेसिकली वो क्या आ जाएगा, डेल टीबी है, डेल टीबी है ना, डेल टीबी विल बी इक्वल टू केबी। एम कितना है, ये वैल्यू दी हुई है, तो आप बस वैल्यू रखोगे, चेक कर लोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यू रखना है, सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन इसके साथ है, खुद से बिना सॉल्यूशन देखे, बिना सॉल्यूशन देखे खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है बात। अब आ जाती है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ना, बेसिकली टीएफ नोड क्या होगा, प्योर फॉर्म का फ्रीजिंग पॉइंट होगा भाई, सिंपल सी बात है। टीएफ क्या हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है उसका, जब अपन मिलाएंगे नहीं है ना, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब मिलाएंगे तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो देखेंगे अपन। तो डिप्रेशन मतलब बेसिकली कम हो रहा है, तो क्या होगा, स्टैंडर्ड माइनस जो अपन को दिया मिला है, ठीक है ना, तो डिप्रेशन चेक कर लेंगे। इसके लिए भी लॉ क्या है, डिल्यूशन के ऊपर सिंपल सी है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो क्या आएगा, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। के एफ क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ फ्रीजिंग डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, और इसको क्या बोल सकते हो आप, इसको बोल सकते हो मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। क्या बोलेंगे बेटा, जो डाउट है यू कैन आस्क ऑन एन अकेडमी एप्लीकेशन, और आप यहाँ भी पूछ सकते हो, है ना, आप डाउट पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। सो यूनिट क्या होगा इसका, के के जी पर मोल, ऑब्वियसली केल्विन के जी पर मोल होगा। एम का वैल्यू हमने पिछले में जो फाइंड आउट किया वही आएगा। डेल टी एफ के वैल्यू में क्या करना है हमें, सिर्फ के एफ के एफ ही तो होगा चेंज, वहाँ पे के टी भी आ रहा था, मतलब के बी आ रहा था, बस हमने ये चेंज कर दिया, वैल्यू आ गई, बस ये सिंपल सा है। अब यहाँ पे आपको सॉल्वेंट की वैल्यू दी हुई है, बॉइलिंग पॉइंट के बी की वैल्यू है, फ्रीजिंग पॉइंट है, के एफ है, ये वैल्यूज दी हुई हैं। ये वैल्यूज जो हैं एग्जाम में आपको गिवन होंगी, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में गिवन नहीं होगी, ये वैल्यू आपको गिवन होगी, ये याद नहीं करनी है। अगर किसी को लग रहा है कि याद कर लें तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 40 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, CH2 CH2 OH OH, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है ना, क्या ये, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल। प्रणाम कार्तिक कुमार। इज मिक्सड विथ 600 ग्राम्स ऑफ वाटर, 45 ग्राम्स C2H6O2 इज मिक्सड विथ 600 ग्राम्स ऑफ वाटर। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। बस क्या करना है आपको, पहले तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकालो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकोल, 0.73 मोल आ जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है। मास ऑफ वाटर इन केजी, 600 ग्राम्स दिया हुआ है, सीधी सी बात है 600 ग्राम में मतलब 0.6 केजी बोला हुआ है आपको, तो 0.6 केजी विल बी मास। बस मोलैलिटी ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे निकालोगे, मोल जो है उसके वो डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास लिखना, ध्यान रखना 0.6 केजी जो अपन निकाला है, तो मोलैलिटी कितनी होगी, 1.2 मोल पर केजी। बस डेल टी एफ जो है वो निकालने के लिए अपन को वैल्यूज पुट करनी है, पुट करोगे सॉल्व हो जाएगा आपका, बस इससे ज़्यादा कुछ करनी नहीं है। अब बात करते हैं अपन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या होता है। आपके घर में सबके में घर में आर ओ तो होगा ही होगा, है ना, आर ओ जो है बेसिकली इसी के ऊपर काम करता है ना। देर आर मैनी फिनोमिना विच आर ऑब्जर्व इन नेचर और एट होम, फॉर एग्जाम्पल रॉ मैंगोज शिबल्स वेन पिकल्स इन ब्राइन सॉल्ट वाटर में, है ना, विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव वेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर, है ना। गुलाब का फूल कभी किसी ने आपको दिया हो तो उसको पानी के अंदर रखना, खिल जाता है, सूख गया होता है तो, है ना। ब्लड सेल्स कोलैप्स when suspended in saline water, है ना, etc. If we look into these process, we find that one thing is common in all. बेटा एक तो आप कंपाउंड का नाम ही गलत बोल रहे, अमाइड होता ही है ना, आप कह रहे हो डाइमिथाइल, तो डाइमिथाइल कैसे लिखोगे इसको, डाइमिथाइल जब आएगा या तो एन की पोजिशन हो, है ना, मतलब ये आपने जो नाम लिखा है वो तो कुछ ऐसा हो गया डाइमिथाइल, अब उसका आईपीसी नेम बताओ, या तो नेम ही रॉन्ग है आपका, डाइमिथाइलामाइड, ठीक। सो दीज मेम्ब्रेन्स कैन बी एनिमल और वेजिटेबल, है ना, दो तरह की मेम्ब्रेन होती है, तो एनिमल मेम्ब्रेन होती है, फिर वेजिटेबल मेम्ब्रेन होती है ना। ये बेसिकली नेचुरल होती है ना, कैसे, देखो ये आपने कोई कंटेंट लिया, इसमें आपने ली एस पी एम बोलते इसको, सेमी परमेबल
मेम्ब्रेन है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को बोलते हैं। ये सॉल्यूशन हो गया आपका, ये सॉल्वेंट हो गया और यहाँ पे आप चेक कर रहे हो, ठीक है। अब कैसे क्या होता है, देखो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अलग अलग रखे हुए हैं, एक बीच में एक लेयर लगा दी है, उस लेयर के थ्रू सॉल्वेंट का जो प्रोसेस है, फ्लो का प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, है ना। क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस, हिंदी मीडियम वाला कोई बच्चा तो बता दो, उसको बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं परासरण। दिस प्रेशर जस्ट दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने रखा या एक मेम्ब्रेन लगा दी, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है ना। हमने मेम्ब्रेन लगा दी, यहाँ पे हमने क्या किया, प्रेशर है नॉर्मल प्रेशर, इस नॉर्मल प्रेशर पे कुछ एड ऑन कर दिया, प्रेशर कुछ प्रेशर एड ऑन कर दिया। एड ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन से जैसे इस मेम्ब्रेन से पास होगा, क्या होगा, पास होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रुक जाता है, ठीक है ना। किस पे रुक जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे रुक जाता है। बेटा कार्तिक बेटा अभी हम सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ रहे, वी विल स्टार्ट सॉलिड स्टेट फ्रॉम मंडे, सॉलिड स्टेट जो है वो मंडे से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। जस्ट ज्वाइन ऑन मंडे, मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी सी ऑफ द सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर, है ना। क्या होगा, ये जो प्रेशर है एक्स्ट्रा जो एड ऑन किया वो पाई है, पाई क्या हो गया, पाई इसके लिए सीआरटी हो गया, है ना। पीवी होता है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना। तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो क्या कर दिया हमने, पी पी इज इक्वल टू सीआरटी हो गया, है ना। तो बेसिकली इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एन वाई एन टू वाई वी इन टू आर टी, और ये एन टू को जब सॉल्व करोगे तो एन टू क्या हो जाएगा, वेट गिवन वेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गिवन कॉन्टेंट, ठीक है ना। ये बस आपको सॉल्व कर लेना है और कुछ भी नहीं है, है ना। बस ये सिंपल सी ही चीज़ है, है ना। अब ये जो ऑस्मोसिस है, रिवर्स ऑस्मोसिस है, इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या होती है ना। बेटा मंडे से नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, मंडे से नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, सो डू नॉट मिस एनी क्लास। आई एम स्टार्टिंग न्यू सेशन फॉर क्लास 11th एंड 12th फ्रॉम मंडे ओनली, ठीक है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन क्या होगा, देखिए द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स जैसे प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन स्लाइड। जैसे कि अपन ये लिया, यहाँ पे सॉल्टी वाटर है, यहाँ पे अपने मेम्ब्रेन लगा दी, यहाँ पे प्रेशर अपने इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, वाटर जो है यहाँ पे फ्लो होगा, सिर्फ वाटर ही फ्लो होगा इधर, बाकी सब चीज़ें नहीं फ्लो हो पाएंगी। तो प्योर वाटर यहाँ पे आ जाता है, जो अपना आर ओ होता है ना, आर ओ इसी पे काम करता है, वह मेम्ब्रेन जो काम में लेते हैं उसी पे लेते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलेंगे बच्चे उसको, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। अब एक लास्ट चीज़ जो रहती है वो है एबनॉर्मल मोलर मासेज क्या है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो एबनॉर्मल मोलर मास कब निकालने होते हैं, जब मॉलिक्यूल जो डाइमर्स फॉर्म कर लेते हैं या ट्राइमर्स फॉर्म कर लेते हैं तो उनका मोलर मास निकालना है। तो बेसिकली एक वॉन्ट ऑफ कांस्टेंट है जिसको अपन आई से डिनोट करते हैं, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। अगर हमें ये वैल्यू पता है तो हमारे लिए निकालना बहुत आसान है, ठीक है ना। तो किसी के लिए मॉलिक्यूल के लिए अपन इसके थ्रू अपन निकाल सकते हैं, ये है ना, इसमें कोई कंसर्न आपको आएगा नहीं। और ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के, ये सब आपको कर लेने हैं बच्चों, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो हैं ये सारे आपको कर लेने हैं। और फ्रेश जो चैप्टर है, फ्रेश चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करें फ्रॉम मंडे न्यू बैचेज आर स्टार्टिंग, है ना, नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम मंडे से। तो डू नॉट मिस, इट्स माय रिक्वेस्ट कि डू नॉट मिस। अगर आप मिस कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाले हो। एन अकेडमी में फ्री कंटेंट आप एक्सेस कर सकते हो थ्रू माय कोड, दैट इज SPVG001, इस कोड के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक एन अकेडमी पे प्लस या फिर दूसरा सब्सक्रिप्शन जो आइकॉनिक वो नहीं लिया तो आप ले सकते हो, विद दिस कोड यू विल गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, रात को 9 बजे सेशन है, ध्यान रखना।